प्रियंका टिब्रेवाल जी, पर प्रियंका टिब्रेवाल जी, क्या ये सवाल जायज है कि भाई अगर राज्य में इतना बड़ा कुछ घोटाला चल रहा था तो ये राज्य की सरकार को पता होना चाहिए था? ये नोट और बंडल ईडी को क्यों मिलने चाहिए थे? राज्य की जो व्यवस्था है उसको क्यों नहीं निकलने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे? तब तो लोग कहते हैं हाँ भाई ममता बनर्जी सीरियस है भ्रष्टाचार को लेकर, के खिलाफ लड़ाई को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नहीं किया वो तो नहीं किया, लेकिन आपके राज्य में ये सब कुछ जो हो रहा है उसका आरोप किस पर है? जिस पर है वो आपकी पार्टी के मंत्री हैं, जिस पर है वो आपकी पार्टी के साधारण संपादक हैं। विजय माल्या का नाम लिया इन्होंने, विजय माल्या बीजेपी में कौन सी पोस्ट होल्ड करते थे? नहीं करते थे। उसके बावजूद भी नाक में अगर दम किसी सरकार ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये किस तरह के साधारण संपादक थे? इनका असाधारण स्वभाव तो देखते बनता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी और जो जब्त हुई है उस पे जो लिफाफा मिला वो शिक्षा मंत्रालय का लिफाफा पर उस पर से मिला है। शिक्षा मंत्री कौन थे? पार्थो चटर्जी थे। जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए, बिकॉज वो मंत्री थे, मंत्री अभी भी हैं। दूसरी बात, कल जब कोर्ट का एक ऑर्डर आया, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके कारण आज उनको अपने इलाज के लिए आईएम्स भुवनेश्वर भेजा गया, उसमें ऑर्डर में स्पष्ट किया गया कि इससे पहले जो दो मंत्री अरेस्ट हुए थे उन लोगों ने इसी तरह सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करते हुए, तबीयत खराब दिखाते हुए जो है इस प्रक्रिया से अपना पीछा छुटाया, इसीलिए इनको इलाज के लिए आईएम्स भेजा गया। तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार की स्वीकृति है इस तरह की जो गुनाह हो रहे हैं या घोटाले हो रहे हैं उसमें सरकार का पैर नहीं बल्कि हाथ पैर मुंह सब शामिल। शिखा जी, आपको लगता है सरकार की स्वीकृति है? शिखा जी, आपको लगता है सरकार की स्वीकृति? और मान लीजिए, चूंकि अभी तो जांच चल रही है, कल को अगर हम ये कहें कि ये साबित हो जाए कि पार्थ चटर्जी का किरदार था, पैसों का कनेक्शन था, सब कुछ था, तो ये सिर्फ पार्थ चटर्जी तक ही सीमित रहेगा या लोग ममता बनर्जी और उनकी सरकार से सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है आपको ना पता हो? दो सवाल आपने एक साथ पूछा। एक तो है कि सरकार का ये इस सिचुएशन में क्या संपर्क है। मामला ये ऐसा ही है कि ये जो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये केस किया है कोर्ट में, उस वो केस लेकिन बहुत दिन से चल रहा है, और वो केस विकास भट्टाचार्य जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर हैं, सीपीएम के लीडर हैं, वो ये केस लड़ रहे हैं, और ये केस के कनेक्शन में ही अर्पिता चैटर्जी और ईडी और पार्थो चैटर्जी का रेड हुआ है। पहले परिषद अधिकारी का घर पे रेड हुआ था, कल परिषद अधिकारी का घर में भी रेड हुआ है। तो ऐसा है कि जो हाई कोर्ट डायरेक्टिव जो प्रक्रिया है वो तभी जारी है, और दूसरा है लोग क्या समझेंगे। अब लोग क्या समझेंगे, मैं आपको बहुत दो तीन फैक्ट्स दे रही हूँ। पहली बात तो ये है कि सुदीप बंदोपाध्याय जो अभी एमपी हैं, वो उनको शायद 2017 में उनको अरेस्ट किया गया था, सीबीआई ने किया था, इन द रोज वैली चिटफंड केस। वो रीइलेक्टेड हो गए 2019 में। अब मदन मित्रा जो कि शारदा केस में जुड़े हुए थे, वो रीइलेक्टेड हो गए 2021 में, इसी इलेक्शन में। मुकुल राय जो नारदा शारदा केस में, नारदा और शारदा केस में तो जरूर थे, इनको क्वेश्चन किया गया सीबीआई, वो भी इलेक्शन जीत के अब बीजेपी से टीएमसी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी जिसका नाम है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह आगे बढ़ता है ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटेड हो रहे हैं, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो जीत चुके हैं लेकिन दल उन्होंने बदल लिया है, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन